तो ये पार्ट टू है लीनियर इक्वेशन का। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल और एक एग्जांपल दिया था लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। ये पार्ट में हम करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स। पिछले पार्ट में मैंने आपको क्या बताया था, ये एक एग्जाम्पल दिया था साहिल एंड सानिया वाला, जिसमें 10 रुपये थे दोनों के पास। तो इसमें पहली कंडीशन मैंने क्या बताया था आपको, एक्स और वाई की जो वेरिएबल की पावर है वो 1 है। वेरिएबल क्या होती है, एक्स और वाई जो है वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल मतलब जो विच कीप्स ऑन दैट इज चेंजेबल, तो इसकी पावर 1 होगी। पहली कंडीशन मैंने आपको बता दिया लीनियर इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन पे जाते हैं, क्या होती है वो। जनरल फॉर्म को लिखते कैसे है, सबसे पहला तो ए एक्स प्लस डी वाई प्लस सी इक्वल जीरो, ऐसे लिखते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन है विथ टू वेरिएबल, वो दिखती है ऐसी, कैसी दिखती है, ये दिख, ऐसी जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन ऐसी दिखती है। एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, पहले वेरिएबल की पावर 1, हाँ चलो एक पहली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो गई, इसकी भी पावर 1, तो ये पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। और पहले मैं आपको टर्म दे देता हूँ, सबसे पहले तो टर्म भी बता देता हूँ, ये मैंने आपको पहला कंडीशन तो बता दिया, टर्म बता देता हूँ। जो ए है, ए होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बी होगा कोएफिशिएंट ऑफ वाई, बी होगा कोएफिशिएंट ऑफ वाई, ये वाई के साथ है इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ वाई, ये एक्स के साथ है इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। सी होगा कांस्टेंट टर्म, सी को बोलते हैं हम कांस्टेंट टर्म इसके लिए बोलते हैं क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, जैसे एक्स वाई इसके साथ नहीं होता, इसके लिए हम इसको सिर्फ कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। समझा आपको, इसके टर्म समझे, ये होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ वाई, कांस्टेंट टर्म। और दिखती कैसी है इक्वेशन, ये ऐसी दिखती है, ठीक है। इक्वेशन, हाँ अगर इक्वेशन ये वाले फॉर्म में नहीं रहेगी तो हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी तो पहले आप इसको समझ लीजिए कि पहली कंडीशन मैंने आपको लीनियर इक्वेशन की क्या बताया, लीनियर इक्वेशन हमारी ऐसी दिखती है। पहली कंडीशन जान लो, वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए, जैसे एक्स और वाई की पावर यहाँ 1 है यहाँ 1 है, तो हम उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है ए बी एंड सी आर रियल नंबर। दूसरी कंडीशन में रियल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं, जैसे 1, 2, 3, √2, √3, 1/2, -1/2, -1/4, जो भी फ्रैक्शन में भी नंबर होंगे और नॉर्मल ऐसे भी नंबर होंगे, नेचुरल नंबर भी होंगे और ये रूट वाले नंबर भी होंगे, तो ये सारे रियल नंबर है, जो एक नंबर लाइन पे आते हैं उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया रियल नंबर का, तो पहली कंडीशन ये वाली हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, ये वाली, ए बी सी आर रियल नंबर, और रियल नंबर में जीरो भी आता है, ठीक है, रियल नंबर में जीरो भी आता है, याद रखना। तीसरी कंडीशन करेंगे हम, ए एंड बी कैनॉट बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, जैसे ये जीरो एक्स और या तो ये जीरो वाई प्लस सी, ऐसे नहीं हो सकती, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो विल गिव यू जीरो। तो क्या हो जाएगा, इधर जीरो हो जाएगा और इधर समझ लो अभी बी है, तो बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो, ऐसा हो जाएगा। अब जो हमारा चैप्टर है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, यहाँ तो एक वेरिएबल हमने खत्म ही कर दिया, तो ये लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल हुई नहीं, इसके लिए हम वी कैन नॉट कीप ए इक्वल जीरो बी इक्वल जीरो, ठीक है। तो ये कंडीशन है। और अगर आपके दिमाग में ये भी कंफ्यूजन होगा कि सर आपने बोला कि ए बी सी तो रियल नंबर है, रियल नंबर हो सकते हैं, जीरो इज ऑल्सो अ रियल नंबर, बट आपने आगे बोल दिया कि ए बी सी कैनॉट बी इक्वल टू जीरो, वो मैंने इसलिए कहा, इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया आपको कि जीरो अगर होगा तो ये जो कंडीशन है कि ये लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल है, ये टू वेरिएबल नहीं रह जाएगी, ये सिर्फ वन वेरिएबल हो जाएगी, इसके लिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था, ठीक है। समझा आपको क्यों जीरो नहीं हो सकता। मेन आपको याद क्या रखना है, ये तीन कंडीशन याद नहीं भी होगी तो भी आप इतनी प्रैक्टिस हम कर लेंगे कि हमको खुद ही आइडेंटिफाई करना आ जाएगा। पहली कंडीशन एक्स और पावर वाई 1/1 होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन ए बी सी आर रियल नंबर क्या होते हैं वो भी मैंने आपको इधर बता दिया, और तीसरी कंडीशन है ए एंड बी कैनॉट बी इक्वल टू जीरो, तो हम बोल देंगे हाँ इट्स अ लीनियर इक्वेशन। आइडेंटिफाई करना हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पहले मैं आपको और कुछ थोड़े बहुत डिटेल्स दे देता हूँ उसमें। अभी मुझे आप फॉर्म, ये फॉर्म बताना कि ये फॉर्म सही है या गलत है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल का। अगर फॉर्म में नहीं होगा तो हम उसको फॉर्म में लेकर, हम एक ही फॉर्म पढ़ेंगे, वैसे तो दो दो फॉर्म बताते हैं बट एक ही फॉर्म पढ़ेंगे। क्या हमारे ये वाले फॉर्म में है, ये सबसे पहले फॉर्म में लिखना सीखेंगे हम, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो, क्या ये फॉर्म में है, नहीं ये फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको ये फॉर्म में लेकर आएंगे, 2x प्लस 3y, इधर क्या सी की कमी है ना, तो 10 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा इक्वल जीरो। देखो हमने इसको ये वाले फॉर्म में लेकर आ गया, इससे कंपेयर करके ये वाले फॉर्म में हमने इसको, ये प्रॉपर तरीका हुआ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल लिखने का, ठीक है। एक और सम देखते हैं हम,
अभी इसमें कुछ आपको आगे बताता हूँ। क्या ये प्रॉपर फॉर्म में है? हाँ ये प्रॉपर फॉर्म में है, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस टेन, माइनस हो गया तो क्या हो गया, फॉर्म देखो हमारा क्या कहता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये फॉर्म है ना, तो माइनस किस लिए आया इधर, क्योंकि सी जो है ना वो माइनस होगा। कैसे? अभी आप मुझे इसमें ए की वैल्यू बताओ, ए की जगह पे क्या है थ्री, तो ए की वैल्यू क्या हो गई थ्री, बी की जगह पे क्या है टू, तो बी की वैल्यू क्या हो गई टू, सी की जगह पे क्या है माइनस टेन, तो सी की वैल्यू क्या हो गई माइनस टेन, ये माइनस टेन है इसके लिए यहाँ पर माइनस आया हुआ है। ठीक है, आगे एक और सम देखो और आप मुझे इसको सॉल्व करके बताना कैसे होगा। फोर एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स ट्वेल्व, सबसे पहले ये फॉर्म में है, नहीं ये फॉर्म में नहीं है तो इसको फॉर्म में लेकर आओ, फोर एक्स माइनस टू वाई, फिर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो गया जीरो। अब इधर तो दोनों तरफ माइनस आ गया, लेकिन हमारा फॉर्म क्या कहता है, हमारा फॉर्म तो ये बोल रहा है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो, ये फॉर्म बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर अब मैं आपको पूछ रहा हूँ ए की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू निकालो और सी की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू तो क्लियरली दिख रहा है चार हो जाएगी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस टू होगी, इसके लिए यहाँ पर माइनस है, तो बी की वैल्यू माइनस टू, क्योंकि फॉर्म में प्लस है बट इधर आया माइनस है, इसके लिए माइनस टू, और फॉर्म में प्लस है सी का, इधर क्या होगा माइनस ट्वेल्व। ठीक है, आई होप आपको समझ रहा होगा ये, और एक दो एग्जांपल्स देखते, नहीं भी समझ रहा है तो वो समझ ही जाएगा। माइनस रूट थ्री, क्या ये फॉर्म में, हमारा फॉर्म क्या है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल, क्या ये फॉर्म, ये फॉर्म में नहीं है, ये फॉर्म में तो लेकर आओ, ये फॉर्म में रूट टू एक्स माइनस फोर वाई, माइनस है कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं, माइनस रूट थ्री है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस रूट थ्री इक्वल जीरो। ठीक है, तो अब ए की वैल्यू बताओ क्या होगी, ए के साथ क्या है रूट, एक्स के साथ क्या है रूट टू, तो रूट टू ए की वैल्यू होगी, बी के साथ क्या है, बी की वैल्यू क्या होगी, वाई के साथ क्या है फोर है, तो बी की वैल्यू माइनस फोर हो जाए, देखो माइनस फोर है, सी की वैल्यू क्या होगी, इधर तो प्लस ही है तो कोई टेंशन नहीं, रूट थ्री सी की वैल्यू होगी। एक और सम देखते हैं, पहले देख लो अपनी सम देखा नहीं, एक और सम देखते हैं आगे। क्या ये फॉर्म में है हमारी, नहीं है फॉर्म में नहीं है हमारी, तो क्या करना होगा इसको, वन बाई टू एक्स, एक तो ए एक्स हो गया प्लस सॉरी इधर वाई है, टू वाई सी लगाना है ना, तो इस तरफ लेके आना पड़ेगा चार को, तो प्लस चार हो जाएगा, देखो ये फॉर्म में आ गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो, है ना, ये फॉर्म में आ गया पूरा। अब मुझे बताओ ए और बी और सी की वैल्यू क्या होगी, ये देखो ए के बदले क्या है वन बाई टू, बी के बदले क्या है टू, सी के बदले क्या है सिर्फ चार है, ठीक है माइनस में नहीं है इस बार, सी के बदले चार है, तो मैंने आपको बोला ना रियल नंबर होगा, देखो रियल नंबर वन बाई टू भी होता है ना, तो आया आपको समझ में ये। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और कुछ क्वेश्चंस करेंगे और वो सारे सम्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू वेरी मच।